बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं मुल्ला उमर के ऊपर लिखी हुई किताब बेटी डैम्स ने, जो लिखी है काफी तहकीक के बाद के मुल्ला उमर के आखिरी 13 साल कैसे गुजरे थे, उसका चैप्टर 3 मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले 2 चैप्टर में पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं सुने तो वो पिछली वीडियो देख सकता है। चैप्टर 3 द हाइड आउट। दिसंबर 2018 में 2 साल कोशिश करने के बावजूद मैं एक ऐसे आदमी से मिली जो चश्मा पहनता था और जिसकी लंबी ग्रे कलर की दाढ़ी थी, अब्दुल जब्बार उमरी। अब्दुल जब्बार उमरी मुल्ला उमर के बॉडीगार्ड थे। वो मुल्ला उमर के साथ तब तक साथ थे जब वो कंधार से गायब हो गए थे और जब तक उनकी मौत ना हो गई 2013 में। इस वक्त अब्दुल जब्बार उमरी NDS के साथ उसकी प्रोटेक्टिव कस्टडी में है 2017 तक। उसके साथ इंटरव्यू करके और बाद में उसके इंटरव्यू की स्टोरीज को ट्रायंगुलेशन सर्च करके, मतलब दूसरे लोगों से वेरीफाई करने के बाद, मुझे मुल्ला उमर के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई और वो कहां पर था, और मैंने सारी इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में जमा की। कुछ अब्दुल जब्बार उमरी से मिली और कुछ उसके दूसरे साथियों से मिली, और फिर उन इंफॉर्मेशन को एक साथ रख के जब मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे ये पता चला कि वो कभी भी पाकिस्तान गए ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना तमाम तर वक्त 2 विलेज के दरमियान गुजारा था, माउंटेनियस प्रोविंस जाबुल में। मतलब उन्होंने अपना तमाम तर वक्त जाबुल में ही गुजारा था और कभी भी वो पाकिस्तान नहीं गए। मुतसिम आगा जान, जो बहुत अच्छे दोस्त है मुल्ला उमर के और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे तालिबान के लीडर, ने उससे कांटेक्ट की अपने आखिरी दिनों में जब वो कंधार में थे दिसंबर 2001, ताकि वो अपनी एक फैमिली के लिए रास्ता बना सके पाकिस्तान के अंदर। यानी मुल्ला उमर की चौथी बीवी को पाकिस्तान में सेटल करने के लिए उन्होंने मुतसिम आगा जान की मदद ली और उनको मुतसिम आगा जान पाकिस्तान में लाया और यहाँ पर सेटल कर दिया। और फिर उसके बाद मुल्ला उमर ने कभी भी अपनी उस बीवी की तरफ नहीं देखा गया, यानी मुल्ला उमर ने आखिरी दम तक अपनी उस बीवी से मुलाकात नहीं की। उसी वक्त जब्बार उमरी ने बताया मुझे, मुल्ला उबैदुल्ला ने कांटेक्ट किया ताकि मुल्ला उमर का एस्केप प्लान किया जा सके। जब्बार उमरी गवर्नर रह चुके थे नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के गवर्नमेंट के दौरान, पर वो एक हुतकी कबीले से थे जो जाबुल से था। मुल्ला उमर के फादर और उनके दादा भी दोनों इसी सूबे से थे। मुल्ला उमर खुद तुंजई ब्रांच हुतकी कबीले से ताल्लुक रखते थे जो इसी इलाके में रहता था, यानी जाबुल में, और मुल्ला उमर ने अपना बचपन कंधार और उरी जवान में गुजारा। मुल्ला उमर को जब्बार उमरी की मदद चाहिए थी ताकि वो लोकल डायनामिक्स जो जाबुल के हैं वो जान सके, ताकि जाबुल के लोग किस तरह से सोच रहे हैं उस वक्त। जब मुल्ला उमर ने मुल्ला उबैदुल्ला को ताकत सौंप दी, 2 दिन तक वो कंधार में ही रहे। 7 दिसंबर को जब डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के डोनाल्ड रमफील्ड ने हामिद करजई की सरेंडर ऑफर को मुस्तरद कर दिया, तब जाकर मुल्ला उमर ने वो शहर छोड़ा। और दोपहर को 2 कारें खाली तरह से निसाजी वूल फैक्ट्री, ये जो फैक्ट्री है कंधार और काबुल के रस्ते के दरमियान है, वहां से निकली। इन 2 कारों में से एक लैंड क्रूजर थी और दूसरी टोयोटा स्टेशन वैगन थी। टोयोटा स्टेशन वैगन में मुल्ला उमर थे और लैंड क्रूजर में जब्बार उमरी थे। जब्बार उमरी ने मुझे ये नहीं बताया कि टोयोटा स्टेशन वैगन में मुल्ला उमर के साथ 3 लोग थे, उनमें से 2 कौन थे, पर मुझे किसी और से उससे पता चला उन 3 में से एक मुल्ला अजीजुल्ला थे, जो मुल्ला उमर की बीवी की बहन के साथ शादी कर चुके थे और वो शाम तक कलात पहुंच चुके थे, जो जाबुल का कैपिटल शहर था। कंधार से 125 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाबुल है, जो कि एक अच्छी पनागा बन गया था तमाम तर तालिबान के लिए। जाबुल बहुत अमन पसंद जगह थी तालिबान के लिए। अब्दुल रहमान होतकी एक फॉर्मर मेंबर थे वहाँ के, जिसने मुझे बताया, हालांकि तालिबान की गवर्नमेंट गिर चुकी थी, कैपिटल सिटी भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइब्समैन का कंट्रोल था जाबुल का, जो होतकी कबीले से ताल्लुक रखते थे और जो तालिबान के लिए काफी नरम दिल रखते थे। वहाँ पर जब अब्दुल रहमान होतकी जाबुल के शिंके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद थे, वहाँ पर उससे बहुत सारे तालिबान लीडर्स जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे उनकी मुलाकात होती थी, और वो सब के सब बस एक ही शिकायत करते कि हामिद करजई ने हमारे साथ धोखा किया, हामिद करजई बिल्कुल पावरलेस लीडर है और इसने हमारी पीठ में खंजर मारा। बहरहाल जाबुल की सिचुएशन भी बहुत जल्द बदल गई जब अमरीका ने एक नया गवर्नर नाफिज कर दिया जाबुल पर, हमीदुल्ला तोखई, जिसने आते ही तालिबान को ढूंढना शुरू कर दिया। तोखई गुलबद्दीन हिकमत यार का एक बंदा था जो हिजबे इस्लामी के मुजाहिदीन के ग्रुप से ताल्लुक रखता था। हिजबे इस्लामी के मुजाहिदीन तालिबान के कट्टर दुश्मन जाने जाते थे, जैसे शिराजी कंधार में था, मगर इस बात में भी हकीकत है कि हिजबे इस्लामी के काफी ज्यादा लोग बाद में चलकर तालिबान के साथ मिल गए थे और उन्होंने अमरीका के साथ जंग जारी रखी। तोखई ने रिटायर्ड तालिबान लीडर्स को ढूंढना शुरू कर दिया और उसकी वजह से बहुत सारे तालिबानी लीडर्स यहां से भागकर पाकिस्तान चले गए। जब्बार उमरी जानता था कि उसे मुल्ला उमर
को एक कंफर्टेबल जगह पाकिस्तान में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो दोनों भी यहाँ पर जाबुल में टारगेट थे और तोखाई उन्हें ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में वो दूसरों के रेडार से बचकर छुपकर एक आरामदायक जिंदगी गुजार सकते थे। वो चाहते तो पाकिस्तान में किसी ट्राइबल लीडर या इस्लामिक लीडर या किसी वेल्थी बिजनेसमैन के साथ ताल्लुक रख के अच्छी तरह से छुप सकते थे लोकल पॉपुलेशन में, ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना सकता। जाबुल में हालांकि सिचुएशन काफी दुश्वार थी, क्योंकि जाबुल बहुत करीब तरीन सूबा था अफगानिस्तान का। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज होना ना के बराबर थी और यहाँ पर जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें भी ना के बराबर थी। पर मुल्ला उमर पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने जब्बार उमरी को बताया, जो कुछ भी होगा आई विल नॉट गो देयर, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने जल्दी से अमरीका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में, और उन्होंने प्रोमिस किया अमरीका को, हम किसी भी तालिबान लीडर को पकड़ेंगे। तालिबान मेंबर जिन्होंने सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान को और जिनके पाकिस्तान में कनेक्शन थे, वो सारे के सारे अमरीका के हवाले कर दिए पाकिस्तान ने, और वो सारे के सारे गुंटानामो बे जेल में सड़ते रहे। फिर जब्बार उमरी ने डिसाइड किया, अगर पाकिस्तान नहीं जाना तो बेहतर है कि कलात में ही रहा जाए। जब्बार उमरी ने सोचा, शहर बहुत छोटा था। जब्बार उमरी में इस सारे काम में अपने एक पुराने ड्राइवर अब्दुल समद उत्साह की मदद ली, जो टैक्सी चलाता था कलात में। उसाजा मर चुका था 2017 में, पर मैंने उसके दूसरे साथियों से मुलाकात की जो उसके बारे में जानते थे, और उन साथियों के नाम थे वाकिल जरगई, मोहम्मद दाऊद गुलजार जो कि एक होतक कबीले का सरदार था, और वो फॉर्मल हेड था पीस काउंसिल का जाबुल की। जाबुल में एक पीस काउंसिल बनाई गई थी। यहाँ पर मैं एक बात वाजे करता चलूँ, ये मैं अपनी पर्सनल एडिशन कर रहा हूँ इस किताब में। अमेरिकन ये सोच रहे थे कि मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन वहीं पर होंगे जहाँ पर कोई अस्पताल होगा। अगर कहाँ पर वह अस्पताल नहीं है तो वो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल की जरूरत कभी ना कभी किसी न किसी को पड़ते ही। ये इंटेलिजेंस टेक्टिक्स होते हैं कि वो इस तरह से देखते हैं। लेकिन मुल्ला उमर की किस्मत के लिए या अल्लाह के राम कर ले कि वो ऐसी जगह पर छुप गए जहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था, इसी वजह से ये जाबुल ज्यादा सर्वे के अंदर भी नहीं आया, क्योंकि मेडिकल सहूलतों की कमी की वजह से इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस जगह को बिल्कुल नल डिक्लेयर कर दिया था। जब्बार उमरी ने डिसाइड किया कि मुल्ला उमर को वो उसाजा के घर में छुपा देगा जहाँ पर उसाजा अपनी फैमिली के साथ रहता था। ये एक मट्टी से बना हुआ घर था जो वॉकिंग डिस्टेंस पर था जाबुल के गवर्नर से, जाबुल का गवर्नर तोखई से। जब्बार उमरी ने उस घर का एग्जैक्ट लोकेशन मेरे साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि वो अफगान गवर्नमेंट को भी पता चल सकता था। याद रहे ये मुलाकात जेल के अंदर हो रही थी। जब्बार उमरी को डर था कि वो लोग जाकर उस घर को जला देंगे, और अगर उन्होंने मुल्ला उमर की कब्र ढूंढ ली तो वो उसकी भी बेहुर्मती कर देंगे और वो उसकी बॉडी को खोद कर निकालेंगे और सड़कों पर घसीटेंगे। इसी वजह से मैंने खुद अपने तौर पर मुल्ला उमर के घर को ढूंढने की कोशिश की, और मैं दूसरे सोर्सेज के थ्रू वहां पर पहुंच गई, पर हम दोनों ने एग्री किया था, इसीलिए मैं उसके घर की एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर शेयर नहीं कर सकती। हालांकि मैं उसका नक्शा आपको बता देती हूं कि वो घर किस तरह का बना हुआ था। जब्बार उमरी से पता चला कि उसका घर टिपिकल अफगान कला था। कला एक मर्ड हाउस को कहते हैं, जिसमें बीच में एक बहुत ज्यादा कोर्टयार्ड होते हैं, और लाइन में तीन कमरे थे और एक तरफ एल शेप का बना हुआ कमरा था, और इसी एल शेप के कॉर्नर वाले कमरे में मुल्ला उमर रहते थे, और इसी कमरे का कोई दरवाजा नहीं दिखता था कि कोई दरवाजा इस कमरे की तरफ जाता है, बल्कि वहां पर एक सीक्रेट दरी थी, मतलब छोटी सी दरी थी, वो ही जाती थी, और जो अगर उस घर से वाकिफ ना हो तो उसे पता भी नहीं चलता कि यहां पर भी कोई चीज जाती है। उसाजा यानी जो जब्बार उमरी का ड्राइवर था, उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि ये एक हाई लेवल तालिबान लीडर है जो फ्रंट लाइन से बाहर आए और इसीलिए ये यहाँ पर छुप रहे हैं बस। उसाजा को जब्बार उमरी ने डराया था, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो नतायज अच्छे नहीं होंगे, और उसाजा ने अपनी बीवी को डरा दिया था कि अगर तुमने कहीं भी जाकर इसके बारे में बताने की कोशिश की तो कोई भी हम में से नहीं बचेगा। उसाजा बड़ी ईमानदारी से अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को इसी कमरे से दूर रखता था। अब्दुल उस्ताज अपनी जिंदगी में मगन हो गया और वो वापस टैक्सी चलाने लगा। जब्बार उमरी और मुल्ला उमर बहुत ज्यादा वक्त घर के अंदर ही गुजारते थे, ताकि उन्हें डर लगता था कि वो बाहर जाएंगे तो उन वो पकड़े जा सकते हैं या कोई उन पर शक कर सकता है। जब्बार उमरी के मुताबिक उन लोगों ने वहाँ पर 4 साल गुजारे और वहाँ पर वो काफी महफूज फील करते थे। पिछले सालों में जब 2001 से शुरुआत हुई थी तो कलात में मिलिट्री प्रेजेंस अमरीका की बहुत कम थी, बल्कि वहाँ पर थोड़ी सी फौजें आती जाती रहती थी जो कि कंधार से एक दो दिन के लिए यहाँ पर आती और फिर वापस चली जाती थी। तालिबान उस वक्त तक डिसऑर्गेनाइज हो चुके थे, फ्रैक्चर हो चुके थे, और बहुत सारों ने सरेंडर कर दिया था और बहुत सारे मारे जा चुके थे। मुतसिम आगा के मुताबिक ग्रुप 2004 में दोबारा से एक्टिव होना शुरू हुआ, और जब एक्टिव होना शुरू हुआ तो यूएस पेट्रोलिंग और ट्रूप मूवमेंट इस इलाके में ज्यादा बढ़ गई। यूएस स्पेशल फोर्सेस कलात में
दो बार आई थी और दो बार इसी घर के करीब आ चुकी थी। चार साल के दौरान यूएस स्पेशल फोर्सेस दो बार कला के इसी घर की तरफ आ चुकी थी। एक रात बहुत सारे सोल्जर्स इस घर के चारों तरफ से घूम रहे थे। जब्बार उबरी और मुल्ला उमर दोनों एक ही पिलर के पीछे छुप गए क्योंकि उन्होंने कुछ कदमों की आवाज सुनी थी, पर यूएस सोल्जर्स उस वक्त उस घर के अंदर नहीं आए थे। दूसरी बात, जब्बार उमरी घर में मौजूद नहीं था और यूएस सिपाही आए थे और फॉरेन ट्रूप्स ने आकर इस पूरे घर को छाना था, मगर वो उस एल शेप के कमरे के बारे में समझ नहीं सके क्योंकि उसका दरवाजा काफी मुश्किल था अंदर जाने के लिए और उस दरवाजे की नोयत भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब्बार उमरी नहीं जानता था कि वो मुल्ला उमर को ढूंढने लाए थे या ऐसे ही वो अपनी एक रूटीन की पेट्रोल कर रहे थे। 2004 में यूएस फौजियों ने अपना फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाया लगमान में, जो कि चंद मिनटों की पैदल दूरी पर था मुल्ला उमर के घर से। जैसे ही मिलिट्री इंजीनियर्स ने वहां पर बेस बनाना शुरू किया, मुल्ला उमर ने डिसाइड कर लिया अब यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि यहां पर खतरा बढ़ गया है। उसाजा की मदद से जब्बार उमरी और मुल्ला उमर टैक्सी में बैठ कर रात को सायरे की तरफ चले गए। सायरे 20 माइल दूर था कलात से। 2001 के बाद वो एक लार्जर डिस्ट्रिक्ट शिंकाई से मिलाकर बड़ा कर दिया गया था। सायरे अब शिंकाई डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन चुका है। मुल्ला उमर के फादर की फैमिली यहां से यानी सायरे से थी। जब्बार उमरी और अब्दुल अजीज वो भी दोनों यहां पर ही थे और 2005 तक वो प्रो तालिबान एरिया कंसीडर किया जाता था। जब्बार उमरी ने मुझे मुल्ला उमर की दूसरी घर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। बहरहाल मैंने कुछ दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल से और ट्राइबल लीडर से कलात में इंटरव्यू किया। उन्होंने सायरे में वो जगह मुझे इंडिकेट की जहां पर वो समझते थे कि मुल्ला उमर रहे थे। वो एक छोटी सी जगह थी, नदी के किनारे पर थी। उसादजे ने अपने दोस्त जरगई को बताया था कि उन्होंने मुल्ला उमर के लिए एक छोटी सी झोपड़पट्टी बनाई है नदी के किनारे और वो उस मड हाउस जिसमें उसादजे के घर था उसके पीछे बनाई गई थी नदी की तरफ मुंह करके, और वो गांव से काफी दूर बनाई गई थी और मेन सड़क से 3 से 4 मील दूर थी क्योंकि उस मड हाउस में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली के दो मर्दों को ही सिर्फ उस शख्स की आइडेंटिटी के हवाले से पता था जो उस शेक में रहता था और वो दोनों शख्स काफी खामोश रहते थे इस हवाले से। जो हट बनाई गई थी वो एक तरफ तो नदी से मिलती थी और दूसरी तरफ एक इरिगेशन टनल थी उससे मिलती थी। इससे हट काफी महफूज हो चुकी थी। जब भी कोई अमरीकी यहाँ पर आकर छापा मारने की कोशिश करते तो दो आसान से रास्ते होते थे जहाँ पर मुल्ला उमर छुप सकते थे। जैसे ही मुल्ला उमर सुइरी में आए, अमेरिकन ने भी अपना एक और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस वुल्वरीन यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, जो मुल्ला उमर के घर से 3 माइल्स की दूरी पर था। वुल्वरीन बेस ऑफिसर्स के प्री फेब्रिकेटेड कंटेनर्स, कैंटीन और जिम के साथ इक्विप्ड था, जहाँ पर हजारों अमरीकी फौजी रहते थे जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते थे यहाँ पर ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के अंडर। 2007 में लिथुनियन ट्रूप्स यहाँ पर आए थे ताकि वो लोकल अफगान पुलिस को ट्रेन कर सके जाबुल में। स्पेशल एयर सर्विस भी यहाँ पर थी। यूएस नेवी सील्स भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। फॉरेन और अफगान मिलिट्री कॉन्वॉयज भी यहाँ पर आते जाते थे। मिलिट्री इंजीनियर्स ने कलाका और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्वेने के दरमियान एक रास्ता बना दिया था जो स्वेरी से होकर गुजरता था। मतलब कलात के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस से और इस बेस के दरमियान एक और रास्ता बनाया गया था और यहाँ से एक और तीसरे बेस की तरफ रास्ता बनाया गया था जो मुल्ला उमर के घर से या उस झोपड़पट्टी से 3 माइल की दूरी पर था। जब्बार उमरी ने बताया वो वक्त बड़ा खतरनाक हुआ करता था। हम दोनों अमरीकी जहाजों को अपने आसपास उड़ते हुए महसूस करते थे। कई बार तो ट्रूप्स हमारे सामने भी आ जाया करते थे। एक बार मुल्ला उमर इस डर से के ट्रूप्स उन्हें ही पकड़ने आ रहे थे वो इरिगेशन टनल में छुप गए और एक वक्त तो यहाँ पर आया कि फॉरेन मिलिट्री और हमारे दरमियान सिर्फ एक टेबल जितना फासला हुआ करता था। ये सब मुझे जब्बार उमरी ने बताया। हालांकि यहाँ पर फॉरेन सोल्जर्स मौजूद थे, फिर भी जब्बार उमरी अपने घर रेगुलरली जाता था उमरजई में, जो कि 6 मील दूर थी यहाँ से और सिर्फ 3 मील दूर थी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस वुल्वरीन से। जब्बार उमरी वहाँ पर 5 से 10 दिन रहते और फिर वापस मुल्ला उमर के पास लौट आते। उमरजई की तरफ जाना रिस्की था, सो वो हमेशा रात को सफर करता। कई बार अमरीकी सिपाही वहाँ पर की ट्राइबल लीडर से मुलाकातें करते और उन्हें बताने की कोशिश करते कि ट्राइबल लीडर्स को अमरीकी सिपाहियों की मदद करनी चाहिए ताकि वो तालिबान को यहाँ से जड़ से उखाड़ सके, मगर तालिबान भी इस एरिया में धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो चुके थे और वो अमरीकी सिपाहियों पर और उनके कॉन्वॉयज के ऊपर हमला करते थे और जिसकी वजह से अमरीकी सिपाही यहाँ पर उन्हें ढूंढने के लिए आया करते थे। इसी वजह से हमें डर लगा रहता कि कहीं वो हमें ही तो ढूंढने नहीं आ रहे। हालांकि लोकल लोगों की सिंपथी अब तालिबान के साथ हो रही थी और दिन ब दिन झगड़ा अमरीकियों के साथ बढ़ता जा रहा था। जब्बार उमरी
को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तालिबान इसी एरिया में ही अमरीकियों पर क्यों हमला कर रहे हैं, और वो तालिबान को बता भी नहीं सकते थे कि यहाँ पर मुला उमर छुपे हुए हैं, आप यहाँ पर हमला ना करें। इससे मुला उमर की छुपने की जगह का पता चल जाता। हालांकि लोकल लोगों को पता था कि यहाँ पर कुछ तालिबान लोग रहते हैं, मगर वो पुलिस को और अमरीकियों को नहीं बताते थे, क्योंकि वो हामिद करजई की गवर्नमेंट से, करप्शन से, इन सब चीजों से तंग थे, और गवर्नमेंट की वो सख्त तरीन मुखालिफत करते थे, अमरीकियों की भी मुखालिफत करते थे। जैसे ही के अमरीकी उनके ऊपर बम बरसाते थे, ये अमरीकियों के मुखालिफ हुआ करते थे। और कई बार लोगों ने जब्बार उमरी को और उसके लोगों को खाना भी दिया, कपड़े भी दिए और कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि वो उन्हें तालिबानी समझ कर उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे। हालांकि लोकल लोगों को नहीं पता था कि अंदर मुला उमर है। इसी के साथ आपका चैप्टर 3 खत्म हुआ है। चैप्टर 4 किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। थैंक यू वेरी मच।